वास्ता हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा की आवाज आज की आवाज जाग ए इंसान वक्त कहता है वक्त को पहचान आज की आवाज जाग ए इंसान कहता है वक्त को पहचान आज की आवाज जिंदगी कितनी भी आएगा क्या जमानत है दिन परेशान है रात है हैरान वक्त कहता है वक्त को पहचान आज की के साए में गर जवानों की ये नई नस्लें कल कहां होंगी होश में आ जा अब तो ऐ नादान वक्त कहता है वक्त को पहचान आज की आवाज क्या नगर है ये कैसी बसती है या तो मिट्टी से जान सस्ती है जिंदगी मुश्किल मौत है आसान वक्त कहता है वक्त को पहचान आज की घर आंगन लुट नहीं जाए प्यार के रिश्ते छूट नहीं जाए कल बचाने का आज ही कर ध्यान वक्त कहता है वक्त को पहचान आज की आवाज जाग ए इंसान वक्त
कहता है वक्त को पहचान आज की आवाज़। इंसान को भगवान की दी हुई सबसे बड़ी भेंट सबसे बड़ी देन है आज। आज के 24 घंटे जिन्हें हमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये आज की पूंजी हमारी है, हमारे पास। बीता हुआ कल हमारे पास नहीं, आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं, बस ये आज है। एक गीली मट्टी की तरह इसकी जो सूरत बनाना चाहते हो बना सकते हो, इसे जिस आकार में ढालना चाहते हो ढाल सकते हो। इसलिए आज की महान शक्ति को पहचानो और अपने हाथों से अपने आज को, अपने भविष्य को, अपने इतिहास को संवार लो। और उस केस के फाइल्स मैडम, वो मेरी डेट का क्या हुआ? वो तो कल ही मालूम होगा मैडम। हमारी डेट जब आप कहें। क्या है ना, हमारा केस बहुत सीरियस है जी ना, कुछ गौर कीजिए ना आप तो आखिर। कितना विशाल है ये सागर। कैसा लगा बंबई शहर? बहुत अच्छा, लेकिन एक खराबी। क्या? यहाँ की लड़कियाँ शादी के लिए इंतजार बहुत कराती हैं। और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तुम तो जानते ही हो, पापा रिटायर होने वाले हैं। मम्मी पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती और वो बंबई नहीं छोड़ सकते। सारी प्रॉपर्टी यही है, देखभाल तो करनी ही पड़ेगी ना हुजूर। इसीलिए तो आपका हुक्म पाते ही बंदा अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ चला आया। अब किस बात की देरी? आपके हुक्म की। मुझे क्या मालूम था बंबई में आते ही सपने इतने जल्दी पूरे हो जाते। सच? नहीं तो मैं कब का आ गया होता। प्रभात। क्या नजारा है, कानून और साहित्य का संगम, वो भी इलाहाबाद में नहीं बंबई की जुहू बीच पे है। ये मेरे मित्र हैं प्रोफेसर लालवानी। नमस्ते। ये है मेरी बेटर हाफ शीला। आप प्रोफेसर प्रभात कुमार, हमारे कॉलेज में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। और आप कुमारी रजनी देशमुख, मशहूर जज देशमुख साहब की बेटी, खुद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। प्रभात जी का केस भी इन्हीं के पास है। क्यों भाई, ये आप लोगों की उम्र कैद का पक्की हो रही है? बस जब ये फैसला सुना दें। क्या? अच्छा सुनो भाई, कल हमारी उम्र कैद के 10 साल पूरे हो रहे हैं, आप दोनों जरूर आइएगा। रजनी अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो मम्मी डैडी। अरे आओ बेटी। हाँ आ गया मेरा बेटा, आओ बैठो। हाँ बस तुमने तो उसे बेटा बेटा कहकर लड़का ही बना दिया। ओ, है। ओ मम्मी। हाँ अब वकालत भी शुरू कर दी, बाप जज और बेटी वकील। फिर भी केस आप ही जीतती हैं। बिल्कुल, कहाँ जीतती हूँ, सुनवाई तक नहीं होती। मम्मी आप जुडिशरी को बदनाम कर रही हैं, क्या सुनवाई नहीं होती? मैं कब से कह रही हूँ कि बेटी अब बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो, मगर बाप बेटे दोनों सुनते ही नहीं। सुनिए, दैट्स अ सीरियस एलिगेशन। बोलो कब करनी है शादी? जब आप दोनों चाहे। बस सुन लिया। बोलो कब करते हैं शादी इसकी? जितनी जल्दी हो सके उतनी। अरे ठीक है, कल ही हम प्रभात की माँ से बात करते हैं। सच? थैंक यू डैडी। बड़ी मुश्किल से इन दोनों को राजी किया है, अब बात ऑफिशियल कर ही दी जाए। बहन जी मैं समझती हूँ कि 20 दिसंबर पक्की ही कर दी जाए। हमारी तरफ से तो बात पक्की ही समझिए। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना भाई साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए। खुश हो? खुश कैसे होगी, फंस गए बेचारे। सुनते हो? सुनाइए। टाइम क्या हो गया है? 7:30 बजे। 7:30 बज गए, सुधा अभी तक नहीं आई। अरे बाबा शाम का वक्त है, बस मिलने में देरी हो गई होगी, आ जाएगी। सुधा चलो आज हमारे घर से होके चले। नहीं यार अभी नहीं, क्योंकि दीदी और जीजा जी वेट कर रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। लेकिन तुम दोनों आ रही हो ना? हाँ। अरे हाँ, आज तुम्हारी दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना। हाँ। तो वो कैसे भूल सकते हैं, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ प्लीज जरूर आना। ओके बाय बाय। ओके बाय, सी यू। हाय जाने मन। जवानी का बोझ अकेले नहीं उठता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? शट अप।
दुग्गल साहब, छोटे से काम नहीं बड़े से ही काम चलेगा। हाँ लीजिए लीजिए साहब। इतनी देर क्यों कर दी? हम बोलती नहीं। पता नहीं। हाँ हाँ जरा देखना तो सही, कमाल है इनका भी। तुम्हारी तो उड़ जाएगी। दिखता नहीं क्या? तेरे बाप का रोड़ क्या? ये नहीं दो दो लड़की ऐसा लगाओ चला। मेरी बीवी रहा देख रहे चल निकल साले। पॉकेट की दारू पीना आते हैं। चल चल पॉट, दोबारा आए तो टांग तोड़ दूंगा। आजकल ये शहर भी क्या हुआ? चलिए सीधे से चलते हैं। चलो अब ठीक तो हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रभात प्लीज रिलैक्स। हाँ तो जगमोहन जी से कहना बलायती माल। क्या कहना है जगमोहन जी से? जगमोहन जी से कहना बलायती माल बहुत कम। अच्छा अच्छा। उनसे कहना जरा जल्दी भेज, खास कर से ब्लैक टांग। लोग यहाँ आते हैं ब्लैक टांग खाते हैं, रहे उनको लेना और उनसे कहना जल्दी माल भेज। क्या हाँ क्या तुम समझ? ओ मेरा लो गवाचा कुर्ते वाले आ टूट। अबे चल 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 फुट यार, चल चल फुट। सुधा दरवाजा खोलना। जी दुग्गल साहब, दो तीन रिंग से तो आपके दांत भी गीले नहीं होंगे। हाय हाय हाउ आर यू चीचा जी? हेलो रजनी जी, आइए आइए प्लीज कम। भाई कमाल करते प्रभात, कितनी देर लगा दी आने में। आओ ना आओ आओ। क्या लालवानी साहब, कैसे नरक में रह रहे हैं? इस शहर में भी और जगह नहीं। कमाल करते हो, ये बंबई है, यहाँ रहने के लिए घर मिल जाए वही बहुत है। और फिर ये क्या गारंटी है कि जहाँ आप घर लेंगे वहाँ दूसरे दिन पड़ोस में दारू का अड्डा या धंधा नहीं शुरू हो जाएगा? भैया जी, यहाँ आराम से रहने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, लेकिन बुरा कर जरूर सकते हो। बहुत अच्छा। इसकी बुराई हो रही है, कम से कम आज के दिन तो अच्छी बातें कीजिए। भाई हम तो हमेशा ही अच्छी बातें करते आए हैं। मुबारकबाद तो दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ भाई, शादी की सालगिरह आप मुबारक हो। नो प्रॉब्लम, इट इज नेवर टू लेट। थैंक यू। प्रभात मैं तुम्हारे लिए छोटा ड्रिंक बना के लेके आऊं? नहीं धन्यवाद, मैंने अभी शुरू नहीं किया। तो आज शुरू कर दीजिए। बड़ा अच्छा दिन है, कैंपा कोला में मिलाकर ले लीजिए। नहीं भाई, मैं मिलावट में विश्वास नहीं रखता, केवल कैंपा कोला मंगा दीजिए। अजी भाई सब फॉर्मेलिटी में। अरे भैया जी, सुना है आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। जी साहब, शायर ही नहीं गाते भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। नज़्म और गीतों में तो उनका जवाब नहीं। हाँ भाई आज दिन भी बहुत अच्छा है, हो जाए कोई अच्छा सा गीत। हाँ हाँ हो जाए हो जाए। बिल्कुल। अब रजनी जी आप ही सिफारिश कीजिए, हम तो उनका गाना सुनना चाहेंगे। सब कह रहे हैं तो सुना दीजिए ना एक अच्छा सा गाना। लो भाई अब तो इनकार कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से भी हुक्म हो गया है। जी हाँ। जी हाँ साहब, कानून कचहरी से तो हर कोई डरता है, इनकी आज्ञा शुरू। हाँ तो फिर हो जाए। चीयर्स।
कप कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से, कप कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से, झुकती आँखों ने सुना दी, झुकती आँखों ने सुना दी वो कहानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी। दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, एक मेरा दीवानपन है, एक मेरा दीवानपन है, एक जवानी आपकी, दिल ही दिल में अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको, अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको, अब तो मेरा दिल भी है, अब तो मेरा दिल भी है जैसे निशानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी, दिल ये इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी। वाह वाह प्रभात, वाह बहुत अच्छी तालियां उनके लिए, मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू, कमाल कर दिया। चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ, तुम भी आओ। कमिश्नर साहब, उस बिल्डिंग में तो किसी शरीफ आदमी का रहना ही मुश्किल है। फ्लैट में रंडी खाना है, जुआ चलता है, नीचे शराब का अड्डा है जहां हर रोज मारामारी होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी तहकीकात करता हूं। गेट मी इंस्पेक्टर दामले। इंस्पेक्टर दामले स्पीकिंग। दामले? यस सर। आपके इलाके से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। हां, मैं प्रोफेसर प्रभात वर्मा को भेज रहा हूं, उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और भारत कॉलोनी पर फौरन रेड डालिए। यस सर। आई डोंट वांट टू हियर एनी कंप्लेंट फ्रॉम दैट लोकेलिटी। राइट सर। दैट्स ऑल। ओके, धन्यवाद। हेलो। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, दामले साहब। हाँ बोलिए।
हमारा तो काम ही सेवा करना है महाराज। अच्छा, ओ आओ आओ, ओ वेलकम सेलकम के लिए तैयार है, ओ आइए। सलाम साहब। सेठ जी, इंस्पेक्टर साहब आए। तालेदार साहब आए। आइए आइए, कैसे तकलीफ दी आपने? इतना जिन्हें भी साथ लेकर आए, क्यों कुछ चुंगी का लक्षण होने वाले क्या? ये कह रहे हैं यहाँ शराब बिकती है। शराब? शराब? जी राम का नाम लो, चल जी, चल दूध में पट्टी डाल के ला गर्मा गर्म। कहिए प्रोफेसर प्रभात। चाय। ठीक तले से मालूम है, यही पता है। आप देख नहीं रहे, वह भजन हो रहा है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ मजाक करते, हमारी रिपोर्ट करते, तभी तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती। चलिए। तुम यही ठहरो। प्रभात, तुमने ये ठीक नहीं किया। इन लोगों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है, और फिर पानी में रह के मगर से बैर भी तो नहीं करना चाहिए। ये ठीक कहते हैं भाई साहब। देखिए, आज अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्या, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो आप लोगों को जिंदा नहीं रहने देगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आओ आओ आओ। आपके एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया सर। एक जरूरी काम निकल आया है, मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन आपको दिल्ली जाना बहुत जरूरी है सर, वो मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है आपकी। मिनिस्टर को मैं फोन कर दूंगा। तुम सारा केस जानते हो, तुम मेरी टिकट पे चले जाओ। आपकी टिकट सर? लेकिन उस पे तो आपका नाम है। टिकट पे मेरा फोटो थोड़ी है। तुम जाओ, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। इम्तिहान खत्म हुए और कल तुम नागपुर जा रही हो? हाँ, रेनू तो ठीक ही कह रही है, कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, हमारा शहर भी घूम लो। इस शहर में कोई घूमा जा सकता है? जिसे भी देखो भागा ही चला जाता है। ना बाबा, हमारे लिए तो नागपुर ही अच्छा है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर हाँ, नागपुर पहुँच के चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ बिल्कुल ही भूलेंगे। अच्छा ओके बाय बाय बाय। सुधा, ये सुधा की आवाज है। सुधा, सुधा, सुधा। नंबर लिखो, नंबर NMH 4510। यही है वो गाड़ी का नंबर, लेकिन आप जल्दी कीजिए, न जाने वो मेरी बहन को कहाँ ले गए होंगे। ये वही इम्पोर्टेंट गाड़ी वाला है जो हमारी कॉलोनी में आता है, वहीं पर उसने मेरी बहन को छेड़ा भी था। आप शांत रहिए, वो मिल जाएगी। लोग सड़क चलती लड़की को उठा के ले जाते हैं और आप कहते हैं शांत रहिए। प्रोफेसर प्रभात, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आपने रिपोर्ट लिखा दी है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नंबर बताया था? नंबर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये तो आपकी एफिशिएंसी। प्रोफेसर प्रभात, MMH 4510। Ah!
कमिश्नर साहब, 15 नवंबर को राह चलते एक मासूम लड़की को अगवा किया गया, लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, फिर भी आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ना ही वो कुछ करेगी, क्योंकि मुलजिम एक मालदार आदमी का भतीजा है और आपके इंस्पेक्टर दामले उसके हाथों बिटे हुए हैं। मिस्टर वर्मा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सुधा अडवाणी का खून सुरेश ठाकुर ने किया है, मगर उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर दामले उसे पैसे लेते हैं, आपकी पुलिस चोर है। मिस्टर प्रभात, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सही निकली तो? हाँ हाँ, अगर ये बात सही निकली तो इंस्पेक्टर दामले को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जाएगा। सुरेश साहब, आपको कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, ये पुलिस स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए, उन्होंने किडनैपिंग की रिपोर्ट और गाड़ी का नंबर 15 नवंबर को लिखवाया है, लेकिन इससे पहले हमने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट 13 नवंबर को ही लिख दी थी। किसी का बाप भी आपको सर। दामले, यू आर सस्पेंडेड। मिस्टर सुरेश ठाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ सुधा अडवाणी। योर ऑनर, गवाहों के बयानों से यह साबित हो चुका है कि 13 नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके दो दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदे और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं, और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस मिस्टर दयाल। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 6794528 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है, और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो, लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे, और वो हैं श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं झूठ बोलता ही नहीं। तोमर साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ थी, और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया, या 14 को राजधानी से आया, या फिर 13 को सड़क सड़क गाड़ी से गया। लेकिन उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट तो था ना? था। तो इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आपको दिल्ली में मिले? बिल्कुल मिले। कितने बजे? 8 बजे। तारीख क्या थी? यो कितनी बार पूछोगे भाई? बस एक बार और पूछो। तो बताइए, 15 नवंबर की शाम को 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर आपके साथ थे या नहीं? थे। बस खुश। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? हाँ हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपकी मीटिंग सुरेश ठाकुर से कहां हुई थी? बोला ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हमारे बंगले पे। ये तो सरकारी काम था, फिर आपने मीटिंग बंगले पर क्यों रखी? हो जी, हम ठहरे नेता लोग, जब चाहा 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 मीटिंग कर ली। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 नवंबर की शाम को सुरेश ठाकुर दिल्ली में थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे?
बोलिए। वो दिल्ली में था या नहीं इससे मैंने कोई मतलब नहीं, वो मने मिला बस। और मन ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। मैं हूं मंत्री और मंत्री कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कोई शक नहीं कि सुधा अडवाणी की लाश पे पाई गई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर से मिलते हैं, लेकिन इस सबूत की बिना पर के वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं सुरेश ठाकुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देके रिहा करता हूं। प्रभात, मैं तो सोच रहा हूं ये मकान छोड़कर बोरीवली में दूसरा मकान ले लूं। कैसी बातें कर रहे हो लालवानी? आज यहां हुआ है, कल वहां होगा, परसों पूरे शहर में होगा, फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। कैसी बातें कर रहे हैं दुग्गल साहब? क्यों भाग्य को कोसते हैं? एक कुत्ता भी अपने भाग को नहीं कोसता, वो भी अपनी गली में शेर होता है। और आप भारत कॉलोनी के लोग तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? शहीदों की मौत मर तो सकते हो, अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर। चूड़ियां पहनकर मर्दों की तरह जियो, मौत का मुकाबला करो जाकर। अरे हम सब साथ हो तो इस मुट्ठी भर गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे बड़ी ताकत है डर, भय, आतंक। हमारे शराब खाने, जुए खाने, रंडी खाने इसलिए चलते हैं कि लोग हमसे डरते हैं, जगमोहन के नाम से कांपते हैं, और हमारे ही लोग मार खाकर वापस आ गए। आज जो भारत कॉलोनी में हुआ वो कल कहीं और होगा, और ये बीमारी पूरे शहर में फैलकर हमारे धंधे को खत्म कर देगी। इसे रोकना ही होगा। इसे ये सब शुरू किसने किया जी? प्रोफेसर है, नाम है प्रभात वर्मा। सबसे पहले उसने मेरी रप्ट लिखाई थी पुलिस में। सुरेश साहब पे भी कुछ केस कुस किया था, ये आग उसी की लगाई हुई है जी। तो फिर बस उसे देख लो, देख लो उसे। अंकल हाँ। ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। हाँ। देखो सुरेश, लड़ाई में दुश्मन को जान से मारना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसकी लड़ने की हिम्मत को मारना, उसे तोड़ देना, और उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देना कि दोबारा हमारी तरफ वो नजर उठाकर देख ना सके। जा, जा, जी। और सुनो, कुछ भी करना लेकिन करते हुए पकड़े मत जाना। गलती में सिर्फ एक बार माफ करता हूं। भैया
हैप्पी बर्थडे। देख क्या रही है, खोल ना इसे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। खोल ना मुट्टू। छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार मेरा, छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर। मेरा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार मेरा, छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार। सूरज प्यार का चंदा, प्यार के दिन और रातें, प्यार का सूरज प्यार का चंदा, प्यार के दिन और रातें, प्यार का अंगना प्यार के द्वारे, प्यार की सारी बातें। इस प्यारी दुनिया में सबसे प्यारा अपना प्यार। मेरा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार मेरा, छोटा सा घर छोटा, छोटा सा संसार। छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया, छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। हाथों में कंगना खनकेगा, पैरों में पेंजनिया। राजा जी लेकर आएंगे डोली और हार। मेरा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार मेरा, छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर। मेरा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार। छोटा बेटी, अरे तुम दोनों बिल्कुल पागल हो जाते हो। भैया, वो तुम्हारी भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी भाभी आई क्यों नहीं? आ जाएगी, किसी केस में फंस गई होगी, जाएगी। कोई दूसरी नहीं मिली थी क्या? मैं मारूंगा तुझे। छोड़ो प्लीज भाभी।
देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना आपकी बार जिंदा नहीं बचोगे। वर्मा, आपको यह कहना है कि कुछ आदमी आपके घर में घुस आए और यह सब हादसा हुआ, लेकिन आपने किसी की भी शक्ल नहीं देखी? मैंने आपसे कहा ना, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। एक दिन बनेगी दुल्हनिया, छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। हाथों में कंगना खनकेगा, पैरों में पैंजनिया, राजा जी लेकर आएंगे डोली और कहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
बच्चों को पढ़ाने आया था, उन्हें इस देश की सभ्यता सिखाने आया था और खुद ही अपनी सभ्यता भूल गया, इंसानियत को छोड़कर एक खूनी बन गया। काश काश मुझे भी उस दिन गुंडों ने मार दिया होता, कम से कम उससे ये पाप तो ना होता। प्रभु, अर्जुन को तुमने राह दिखाई थी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतृभू मा तिसंगोस्त विकर्माणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए ना तो फल की चिंता करो और ना ही अपना कर्म करना बंद करो। सर, क्या यह संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा के बिना कोई काम कर सके? सच तो यह है कि हमारे काम फल के लिए ही करते हैं। एक कुम्हार बर्तन पैसा कमाने के लिए ही बनाता है। अगर परीक्षा देते समय आप केवल फल के बारे में ही सोचते रहे तो पास होने की चिंता और फेल होने का डर कभी आपको ठीक से परीक्षा नहीं देने देगा। इसी प्रकार अगर एक कुम्हार बर्तन बनाते समय उससे कमाए जाने वाले पैसे और उसके लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो उसका ध्यान उस बर्तन बनाने से हट जाएगा, वो कभी अच्छा बर्तन नहीं बना पाएगा। लाभ हानि, सफलता असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल आज है, कल नहीं। कर्म आज है, फल कल है। अगर आज सुधर गया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। सर, आपको विश्वास है कि हमारा कल सुधर जाएगा? क्या मतलब? आज जो हमारे देश में लूटमार जो अराजकता चल रही है उससे तो नहीं लगता कि हमारा देश सुधर सकेगा। जरूर सुधरेगा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की बढ़ोतरी, तब तब मैं नया रूप धारण करूंगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। सर, क्या बदमाशों को मारने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे? कुछ काम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और कुछ हमसे करवाते हैं। एक कमरा चाहिए। कितने दिन को? अभी तो एक महीने के लिए। एक महीने को? कहां से आया? दिल्ली से आया हूं फिल्म राइटर बनने। फिल्म राइटर बनने को? फिर तो पूरा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन मुझे कमरा बिल्कुल कोने में चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम कोने में मिलेगा, मगर फोन के लिए कोई तेरे को बुलाने नहीं आएगा। हमें बंबई में कौन फोन करेगा? ठीक है, 30 रुपए के रोज से 900 रुपया होता है, तो पूरा एडवांस चाहिए। सर जो आया साहब,
इसको एकदम कोने वाला कमरा दे दे। चलिए साहब। थैंक यू। आपका कमरा साहब। बाथरूम में। उधर गार्डन है साहब। ये यहाँ क्या है? ये पीछे का रास्ता है, इस आगे मेन रोड है, लेकिन कोई आता जाता नहीं है, सब कचरा पड़ा है कचरा। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। कितनी बार सलाम करोगे? जाओ अपना काम करो, दोबारा डिस्टर्ब मत करना मुझे। आठ टिप नहीं देखा, साले को ग्लास पानी नहीं पूछूंगा, पानी आया फिल्म में राइटर बनने को, और ये उससे चिकाई तो मेरे पास में है, मेरे पास में। अरे सरजो। आया साहब। बोलो क्या मांगता है? कैंपा कोला। क्या? कैंपा कोला। कैंपा कोला? अरे पिंटो कैंपा कोला लाना। कैंपा कोला। क्या है टोपू? माल निकाल, माल माल निकाल, कम सुनाई देता है क्या? आ,
किसी की भी हो माल बहुत गरम है लाला। तू जरा उसको ठीक कर, मैं तब तक इसे गरम करता हूँ। अबे हम मर गए, माल निकाल बे। अबे सारा माल निकाल, सुनाई नहीं देता बे। अबे सुनाई नहीं देता, मैं बताता हूँ इसको। अबे वापसी। अरे बाप रे, एक रात में पांच खून। उसमें से चार आदमी दो दो बार जेल काट चुके हैं। अरे बाप रे बाप, मारने वाले का कुछ पता नहीं। ये रॉबिनहुड कौन है चाचा? रॉबिनहुड एक हीरो था जो गरीबों की मदद करता था और गुंडों को मारता था। लगता है कल की अवतार पैदा। ये कल की अवतार क्या होता है चाचा? तू कल की अवतार नहीं जानता? पुरानों में लिखा है ना कि कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे तो उस पाप को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, उसे कल की अवतार कहते हैं। मुंह क्या देखता है, काम करो। भगवान ही जाने इस देश को क्या हो गया है, जहां लोग एक खूनी को रॉबिनहुड कहते हैं, दूसरों की जान लेने वाले को हीरो बना देते हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो एक उजड़ी बहन का भाई हूं, एक बिन मां का बेटा हूं। मैं तो खुद ही एक दुखी आदमी हूं जो एक गोली चलाता है और 10 बार खुद मरता है।
कल रात यहीं सो गए? कॉलेज नहीं जाना है? तुम्हें मालूम है कल रात किसी ने 5 गुंडों का खून कर दिया? मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? अखबार पढ़ के फिर सो गए? पढ़ के सो गया था। कल रात कहां थे? यूं ही सड़कों पर भटक रहा था। तुम्हारे साथ सड़कों में भटकना किसी और को भी अच्छा लगता है। भूल गए वो दिन जब हम दोनों घंटों चांदनी रात में घूमते थे? वो चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है, हमेशा के लिए पिछड़ गई है। चांदनी बुझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। हवा चले, बादल हटे तो उसे फिर अपना रास्ता मिल जाता है। हाँ, हवाएं रास्ता भूल चुकी हैं, अब तो सिर्फ हब्स है, घुटन है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। मुझे माफ कर दो रजनी, मधु की चीखें मुझे सोने नहीं देती। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है, अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। प्यार करूंगी तो किस दिल से? दिल में तो संघर्ष है और आंखों में तलाश। बस मरने वालों की रूह की शांति के लिए कुछ उधार चुकाना चाहता हूं। मुनीम जी, आया सेठ जी। भाई सुनो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, आप ये पैसे वेल जी भाई को दे दीजिएगा। हाँ, दे देता हूँ जी। और सुनिए, आप चाहे तो टैक्सी में जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, टैक्सी की क्या जरूरत है, ये नजदीक ही तो जाना है, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। Yeah!
हटो, रास्ता दो। वो कौन था, किधर गया, बोलो। कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लोग मरे पड़े थे और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। साहब तीनों गुंडे लगते हैं। ये शायद रॉबिन हुड का ही काम लगता है। रॉबिन हुड किल्स 3 मोर गुंडास। द सिटी लास्ट नाइट कॉट इन द ग्रिप ऑफ ए सीवियर क्राइम वेव, टुक ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन द मिस्टीरियस रॉबिन हुड किल्ड 3 मोर क्रिमिनल्स होम ही कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। आइए प्रोफेसर। अरे प्रभात, आज की हेडलाइंस पढ़ी तुमने? रॉबिन हुड ने 3 और गुंडों को मार दिया है, सब के सब जेल काट के आए थे। लगता है वो गुंडों के पीछे पड़ चुका है। अरे भाई, वो उनको गिन गिन के मार रहा है। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया और शरीफ आदमी आसानी से घूम रहे सड़कों पर। वाह वाह, क्या कलयुग आया। रोज हमारे 2-3 आदमी मारे जा रहे हैं और एक आदमी को मार नहीं सकते तुम लोग। किसे मारे सर, पता नहीं वो भूत की तरह किधर से आता है और किधर चला जाता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जरा मिनिस्टर साहब को फोन लगाना। रात को घर से निकलना बंद कर दिया। हेलो सर, आपका फोन। हेलो, ये जगमोहन दास जी। कहिए मंत्री जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, फरमाइए। ये आपके राज में क्या चल रहा है मंत्री जी? एक खूनी रोज 2-3 खून कर रहा है और आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। नहीं, कहते हैं बंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही, या पकड़ना नहीं चाहते। नहीं, मजाक कर रहा, जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, बड़ी बदनामी हो रही है। घबराइए मत, अभी फोन कर देता हूँ पुलिस कमिश्नर को। नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। प्लीज गेट मी द पुलिस कमिश्नर। डोंट वरी सर, मैं अपने सबसे होशियार आदमी को इस काम पे लगा दूंगा। ही इज इंस्पेक्टर शफी। आओ शफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। शुक्रिया साहब, आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों? बैठे बिठाए आपको रॉबिन हुड पकड़ने की क्या सोचे साहब? वो तो अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, करने दो उसे, वो काम करेगा, हम चाय पीते, मूंगफली खाएंगे। आप तुम्हें खाओ। सर साहब, जो काम आप पिछले 25-25 साल में नहीं कर पाए, इसने 10 दिन में कर दिखाया। हम अगर मुजरिमों को पकड़ लेते हैं, गुंडों को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सबूत नहीं होता। सबूत होता है तो कोई गुंडे का बाप ऊपर से पैदा हो जाता है, जो ऊपर से सिफारिश लेकर आता। लेकिन ये रॉबिन हुड तो सिफारिश की नौबत ही नहीं आने देता। यही तो कमाल की बात है साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कमाल हो गया। जिस जगह जुर्म, उस जगह सजा, न रहेगा मुजरिम, न लगेगी कचहरी। वेरी गुड, सिंपल, वेरी नाइस। वो तो ठीक है यार, लेकिन मिनिस्टर साहब के फोन का क्या होगा? वो कहते हैं उसे पकड़ना ही होगा। जाने दो ना साहब। अच्छा, नौकरी नहीं करोगे? वो तो करनी है साहब, करनी है, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे गलत ही सही। जाके गिरफ्तार कर लेता हूं शरीफ आदमी को। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। चाय। बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। पूछो। उस दिन इंस्पेक्टर से क्यों कहा कि तुमने किसी को नहीं देखा? क्या होता बता के? उन्हें सजा तो मिल जाती। कैसे कह सकती हो? शायद वो दिल्ली में किसी मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे होते, या किसी न किसी अस्पताल में सबके सब इलाज करा रहे होते। आज गली गली में किसी न किसी मधु के साथ यही हो रहा है।
और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी आजादी है ये? आजादी तो गुलामी से भी बुरी है रजनी, कि एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार हो और भाई कुछ ना कर पाए। वो भैया भैया चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका रजनी, मैं कुछ नहीं कर सका। चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, चिल्लाती रही मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आपके एरिया में रॉबिनहुड के नाम से जितने भी खून हुए हैं मुझे उसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। नंबर एक, मरने वालों के नाम, उनके पते, उनका पिछला रिकॉर्ड, किसी जुर्म में कभी पकड़े गए थे या नहीं, और अगर पकड़े गए थे तो सजा हुई थी या नहीं हुई। एंड नंबर टू, ये जितने भी खून हुए एक ही पिस्तौल से हुए हैं। क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि इसी पिस्तौल से दूसरे खून हुए हैं? हुआ था सर। किसका? भारत कॉलोनी के कृष्ण खन्ना का सर, जो कि एक रंडी खाना चलाता था सर। कब हुआ था? इन सब खूनों के तकरीबन एक हफ्ता पहले सर। वीर कर मुझे उसकी फाइल चाहिए। मिल जाएगी सर, जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो दूसरा खून कर बैठे। राइट सर। ओफो, क्या हो गया इसको, ये चलती क्यों नहीं? तुमको कितनी बार बोला है कि सेकंड हैंड चीजें खरीदना बंद करो, लेकिन तुम हो कि जो चीज देखी वो उसी वक्त मांगता है। अब लगाओ धक्का इसको। अरे बीवी, तुम सेकंड हैंड की बात कर रही हो, आजकल तो नई स्कूटर का भी कोई भरोसा नहीं। ये तुम परवेश करना बंद कर दो, इतनी रात में कोई रुकने वाला नहीं। रुकती नहीं, आजकल के टैक्सी तो ऐसे ही होते हैं। अरे देखो तो आ रही है वो। अरे सुनते हो क्या, आ रही है, उसे पूछो ना हमें लिफ्ट देंगे क्या। आगे मत
भगवान की दया से घाव ज्यादा गहरा नहीं है। तुम आराम करो, मैं कॉफी लेकर आती हूं। इंतजार में दो बार पी चुकी हूं, तुम पी लो। आधी आधी बांट लेते हैं। जो बांटने की चीजें हैं वो तो बांटते नहीं। क्या? जिंदगी, दर्द, राज। राज तो अब तुम जान ही गई हो। जिंदगी मेरी कब की खत्म हो चुकी है। और दर्द उसी के सहारे तो जी रहा हूं, उसी की ताकत से लड़ रहा हूं। वो भी बांट लूंगा तो ना जी पाऊंगा ना लड़ पाऊंगा। और ये लड़ाई अभी मैं बंद नहीं करना चाहता। रहने इस लड़ाई का अंत जानते हो ना? इसलिए तो कहता हूं कि अपने लिए एक नया रास्ता, नई मंजिल देख लो। क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सिर्फ मौत की तरफ जाता है। तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी और मौत कभी नहीं मिलते। रजनी के मायने जानते हो ना? रात जो सिर्फ प्रभात के लिए जीती है और प्रभात के लिए मरती है। मुझसे अपना दर्द नहीं बांटते तो ना बांटो, लेकिन मुझसे मेरी मंजिल तो ना छीनो, प्लीज। नहीं श्रीवास्तव, नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी ने आपके सामने आप दोनों की जान बचाने के लिए उस गुंडे पर गोली चलाई और आपको उसकी शक्ल तक याद नहीं? याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मेरी जान बचाई, मेरी बीवी की इज्जत बचाई,
मैं पूछता हूं, उस रात को जब हम मदद मदद मांगते चिल्ला रहे थे, उस वक्त आप कहां थे? कहां थी आपकी वो पुलिस? क्या कर रहे थे आप सब लोग? देखिए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वो जो भी एक खूनी है, एक हत्यारा है, और एक खूनी को बचाना, उसका नाम छुपाना गैर कानूनी है। अच्छा, यही होगा, आप मुझे उसका नाम और हुलिया बता दें। तुमको उसका नाम मांगता, उसका शक्ल मांगता, उसका फोटोग्राफ मांगता? कम कम इतनी हम तुमको बताएगा? कम, हम बोला कम। आइए देखिए इसे, यही है वो, कर लीजिए गिरफ्तार। दिस इज योर मैन, अरेस्ट हिम एंड बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। मजाक कर रही हैं आप मुझसे? मजाक तो आप कर रहे हैं साहब, क्या समझते हैं आप? जिस आदमी ने भगवान की तरह आकर हमारी रक्षा की, उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे? भूल जाइए साहब, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुझसे कुछ कहने को कहा गया है। मैं जो कहने जा रहा हूं, ये आवाज, ये प्रार्थना मेरी नहीं, आप सबकी है, इस देश के उस हर सच्चे नागरिक की है जिसने भारत मां को बिलखते हुए देखा है। रो रो स्वर्ग में
किशन खन्ना की कंप्लेंट प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने की जी। पेरीकर जी, ये प्रोफेसर प्रभात वर्मा कौन है? सर आपको याद नहीं, जिसकी मां का खून हुआ था और उसकी बहन का मास रेप हुआ था, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया सर। मास रेप जी। कब हुआ था ये रेप? 9th of December सर। और किशन खन्ना का खून 10 दिसंबर को हुआ था, राइट? राइट सर। उसी रिवॉल्वर से जिससे रॉबिन हुड खून करता है। यस सर। वीरगर सर, प्रभात वर्मा पर नजर रखी जाए। होटल चल। पुलिस, उस टैक्सी का पीछा करो। प्रभात अभी मॉडर्न होटल गए सर। मॉडर्न होटल? यस सर। कौन सा कमरा? जी वो पता नहीं, तुम पता लगा के रखो, मैं अभी आया। राइट। आइए सर, दिस साइड। ये वो कमरा सर।
कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति महोदय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा राजधानी के लिए रवाना हो गए। इन दिनों बंबई शहर में एक खूनी चर्चा का विषय बना हुआ है जो हुंडो और बदमाशों का खून कर रहा है। पुलिस कमिश्नर साठ ने हमारे संवाददाता को बताया कि पुलिस की बहुत जोरों से तहकीकात चल रही है। और अब सुनिए खेल समाचार। आज सिडनी में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांचवें क्रिकेट टेस्ट मैच का उस कार के पीछे चलो। Okay. Good. Where's my money? Abhi nikalta. Thank you.
लिस्ट देखी? कौन सी लिस्ट? रॉबिनहुड के मारे हुए लोगों की। नहीं, कोई खास बात है? नहीं है, मुझे तो उनमें से 5 आदमी वो है जो तुम्हारे साथ उस प्रोफेसर के घर गए थे। क्या मतलब? वो प्रोफेसर ही रॉबिन हुड है जो 6 में से 5 को मार चुका है, और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अब क्या होगा? अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसके पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे खत्म कर दो। सुरेश पकड़ा गया, ठीक है, आप अस्पताल में डलवा दीजिए। डॉक्टर कपाड़िया से मैं बात कर लूंगा, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिक्र मत करना, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। डॉक्टर कपाड़िया, दरवाजे के पास जाके खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। डॉक्टर कपाड़िया ने सर्टिफाई कर दिया है कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, नींद में चलने की बीमारी है, और उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, कहां हो। उस दिन भी यही हुआ, और इसीलिए यहां साइकेट्रिक वार्ड में हूं। सोचा था आपकी बार तो हंसी गए, बचना मुश्किल होगा। मैंने हारना नहीं सीखा। रिलैक्स। डॉक्टर राव 11 बजे के बाद ड्यूटी पे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए इंस्पेक्टर साहब की परमिशन की जरूरत है। हाँ ठीक है। सर, सुरेश ठाकुर का कमरा यही है ना? जी हाँ। मुझे इसका चेकअप करना है। आप डॉक्टर कपाड़िया तो नहीं साहब? लेकिन डॉक्टर साहब, आपका तो कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट। हाँ, कल सुबह मेरा एक ऑपरेशन है, मैंने सोचा अभी घर जाते हैं उसका चेकअप। अच्छा अच्छा, ठीक है।
आइए डॉक्टर साहब, जरा साइन। थैंक यू। ये जो आदमी क्या है, ये कौन था? आप जानते नहीं साहब, जगमोहन बहुत बड़ा स्मगलर है, सुरेश ठाकुर का चाचा। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। डॉक्टर साहब, ये नई मशीन गवर्नमेंट ने पागलों को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए मंगवाई है। आप बैठिए ना, मैं सुरेश ठाकुर को अभी लेके आता हूं। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब। चलो डॉक्टर कपाड़िया चेकअप के लिए आए हैं। चलो बैठो। अरे बैठता हूं बैठता हूं। साहब हमारी जरूरत तो नहीं है? नहीं जी साहब। वक्त देता हूं, उसके बाद अलार्म बजाऊंगा। वक्त बर्बाद मत करो, पीछे का रास्ता उधर से है। बहुत
काश तुम मेरे बिरादरी के होते। बहुत दुख, लेकिन मैं तुम्हें मौत के सिवा और कुछ दे नहीं सकता। रॉबिन हुड केस के इंचार्ज से मिलना। रॉबिन हुड जी, आपका मतलब है इंस्पेक्टर शफी से? जी प्लीज रिलैक्स। सिंधे गेट इंस्पेक्टर शफी। हेलो सर। लीजिए मिस्टर शफी। आप मुझसे मिलना चाहते थे? मेरा नाम प्रभात कुमार है, लोग मुझे रॉबिन हुड कहते हैं। जानता हूं मैं आपको। तब आपने मुझे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार? मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? क्या? यही कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, और समझ लो ये मुलाकात कभी हुई नहीं थी। मैं यहां कोई सौदा करने नहीं आया हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। तुमने अपने बचाव के लिए वकील करने से इनकार क्यों किया? रजनी मैं ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। सच्चाई है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने ये चाहता कि मेरी जिंदगी के लिए कोई भी लड़े। प्रभात मैं कोई नहीं हूं, मैं रजनी हूं। तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। I will fight for your life. Your Honor, ये केस बिल्कुल साफ है। देखने में सीधा साधा लगने वाला प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा दरअसल एक बहुत खतरनाक आदमी है। ये दिन में बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाता और रात में पिस्तौल लेकर ऐसे निकल पड़ता जैसे शैतान बच्चे गुलेल लेकर चिड़िया मारने निकल पड़ते हैं और जब जैसे चाहते हैं मार डालते हैं। प्रभात वर्मा को आज कर रॉबिनहुड बनने का शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए, अपनी बहादुरी के डंके बजवाने के लिए इन्होंने 10 दिनों में 14 खून करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। योर ऑनर, ये सारे खून शौक और शोहरत के लिए सोच समझकर ठंडे दिल से किए गए हैं। जिस आदमी की नजरों में दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसे तो खुद भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रभात कुमार वर्मा अपने जुर्म पर इकबाल कर चुके हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी हाँ। योर ऑनर, माफी चाहती हूँ, मगर जब से अदालतें बनी हैं, तब से हर मुलजिम से यही सवाल पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, जो नहीं पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेसर प्रभात वर्मा आपसे ये कहें कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो क्या आप उनकी बात मानकर उन्हें छोड़ देंगे? योर ऑनर, अदालत के इस कटहरे में प्रोफेसर प्रभात वर्मा इसलिए खड़े हैं कि असलियत का पता लगाया जा सके, ये साबित किया जा सके कि ये अपराधी हैं या नहीं। और सरकारी वकील साहब ने अभी तक कोई भी ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने एक भी खून किया है। योर ऑनर, ये शख्स इतना चालाक है कि इसने आज तक कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। ऐसा आतंक फैला रखा है कि शरीफ तो शरीफ, गुंडे तक इसके नाम से कांपते हैं। जिस किसी ने इसे गोली चलाते देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो दो चार बच गए हैं वो इसे पहचानने से इनकार करते हैं, डरते हैं। जिस आदमी को कोई पहचानता नहीं, जिसका पता शक्ल कुछ मालूम नहीं, जिस पर किसी को शक तक नहीं, वो आदमी अपने आप को कानून के हवाले करता है, अपनी मर्जी से इस कटहरे में आकर खड़ा हो जाता है। योर ऑनर, अगर प्रोफेसर वर्मा से कुछ पूछना है तो ये पूछिए कि ये इस कटहरे में आकर क्यों खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले क्यों किया। प्लीज योर ऑनर। क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जज साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले इसलिए किया है कि मेरी लड़ाई एक आदमी की जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मुझे सजा होगी या नहीं, सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आराम से जिंदा रह सकेंगे या नहीं। आज इस देश में क्या हो रहा है? कानून कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? जहां देखो वहां गुंडों का राज है, अराजकता है, बलात्कार ही बलात्कार है, कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का, गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी। मगर एक जुर्म को हटाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा तो नहीं लिया जा सकता? अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब, पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैंने वही किया है जो पुलिस को करना चाहिए था और उसने नहीं किया। कानून शिकनी के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए मैंने एक और तूफान का सहारा लिया। आज अगर इस शहर में अमन और शांति है, लोग आजादी से चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह वो तूफान है, वो डर है। मैं मानता हूं कि मैंने खून किए हैं, लेकिन दोष मेरा नहीं है, दोष कानून का है। आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। लेकिन कानून को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है योर ऑनर, मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूं। मैं समझा नहीं। मैं जस्टिस वीवी देशमुख को इस अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करना चाहती हूं। यह नहीं हो सकता, एक जज को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। मगर जस्टिस देशमुख का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ऐसा होता तो नहीं है? फिर भी जस्टिस देशमुख को अगर कोई एतराज ना हो तो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जस्टिस देशमुख, आपको पिछले नवंबर की 20 तारीख याद है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आपकी अदालत में एक बलात्कार और खून का केस आया था। ऐसे केस तो रोज आते हैं, उसमें याद रखने की क्या बात है? बात यह थी कि मुलजिम सुरेश ठाकुर एक अमीर आदमी का भतीजा था, और उसकी गवाही देने दिल्ली से एक मंत्री महोदय तशरीफ लाए थे, याद है? हाँ, याद आ गया। तो आपको यह भी याद होगा कि आपने उसे बाइज्जत छोड़ दिया था। याद है। पूछ सकती हूँ क्यों? मैं सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूँ। किसी जज से उसके दिए हुए फैसले पर सवाल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि क्या सुरेश ठाकुर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था कि उसकी गवाही एक मंत्री ने दी थी? मिस देशमुख। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो इस केस की प्रोसीडिंग्स में लिखा है। ये रही उसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि लाश के नाखूनों में सुरेश ठाकुर के बाल और खून की बूंदें पाई गई। लीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ जस्टिस देशमुख कि इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बार पहले भी आपसे कह चुका हूं मिस देशमुख कि जज के दिए हुए फैसले पर बहस नहीं की जा सकती। मैं बहस कहां कर रही हूं योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि खून और बाल वाली बात सच है या नहीं। खून और बालों वाली बात सच हो या ना हो, लेकिन एक मंत्री ने इस बात की गवाही दी थी कि वारदात के दिन सुरेश ठाकुर उनके साथ दिल्ली में था। दिल्ली जाना और मंत्री की गवाही बनाई जा सकती है,
लेकिन खून और बाल नहीं। एक जिंदा आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन मुर्दे झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, उस लड़की की लाश पुकार पुकार कर कह रही थी कि सुरेश ठाकुर ने उसका बलात्कार किया है, उसकी हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी उस लाश की सच को नजरअंदाज कर एक मंत्री के झूठ को सच मान लिया गया। क्या वजह थी उसकी, मैं पूछ सकती हूँ क्यों? I strongly object to this, Your Honor, मैं किसी को भी अपनी ईमानदारी पर शक करने की इजाजत नहीं देता। You must withdraw the allegation. Your Honor, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने वही कहा है जो सच है, और सच यह है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी का बलात्कार किया, उसका खून किया और उसकी लाश पर इस बात के सबूत भी पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया। जस्टिस देशमुख, पिछले नवंबर की 20 तारीख को आपने एक अपराधी को बाइज्जत छोड़कर इंसाफ को सजा दी थी, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। मिस देशमुख, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप चाहे मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लेकिन आज मैं ये पूछने से बाज नहीं आऊंगी कि उस दिन आपने गलत इंसाफ क्यों किया, क्या कारण था उसका। स्टॉप इट नाउ। जस्टिस देशमुख, उस दिन जब आपने फैसला सुनाया था, आप एक जज थे, कानून और उसके कायदे में जकड़े हुए थे, कानून की रक्षा करना आपका फर्ज था, लेकिन आज आज आप पर कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आज आपने गीता पर हाथ रखकर सिर्फ सच बोलने की कसम खाई है। आज ये गीता आपकी आत्मा से पूछ रही है कि उस दिन कानून की रक्षा करते करते कहीं इंसाफ का खून तो नहीं हो गया था, उस दिन आपके दिल में कानून और इंसाफ के बीच कहीं महाभारत तो नहीं चल रहा था। बोलिए। एक जज के दिल में ये महाभारत हमेशा होती रहती है। उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो फैसला है, आपका कानून है। अगर उस दिन सुरेश ठाकुर को बाइज्जत रिहा न किया जाता तो प्रोफेसर प्रभात वर्मा का घर बर्बाद न होता, उसकी मां का खून न होता, उसकी बहन का बलात्कार न होता, वो आत्महत्या न करती। योर ऑनर, उस दिन अगर सुरेश ठाकुर जैसे भयानक जानवर को इस शहर में खुला न छोड़ दिया जाता तो प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा जैसे शरीफ आदमी को एक कवि को हाथ में पिस्तौल उठाकर खूनी न बनना पड़ता। ऐसा हुआ था तो प्रभात कुमार ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होता, फिर कोई मंत्री आकर गवाही देता कि वो बंबई में नहीं दिल्ली में था, या कोई सरकारी डॉक्टर आके साबित कर देता कि सुरेश ठाकुर अपने पांचों साथियों के साथ किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा अपना इलाज कर रहा था, और जो अस्पताल में है वो प्रोफेसर के घर कैसे हो सकता है। मिस देशमुख, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिस आदमी को एक बार इंसाफ ना मिले वो दूसरी बार कानून के पास आने के बजाय कानून को अपने हाथों में ले ले, एक पिस्तौल लेकर निकल पड़े और जब चाहे जिसका चाहे खून कर दे? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने खून नहीं किए हैं, गुंडों को सजा दी है, इंसाफ किया है, एक जज का अधूरा काम पूरा किया है। अगर लोग इसी तरह हाथों में पिस्तौल लेकर जज बनने लगे तो गली गली में रॉबिनहुड पैदा हो जाएंगे, हर तरफ लोग खून की होली खेलते हुए नजर आएंगे, और कोई भी सरकार कोई भी समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुंडागरी को एक और गुंडागरी से रोका जाए। मिस देशमुख, कानून हाथ में लेना जुर्म है और जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं भी तो यही कहता हूं, जज साहब की सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, कानून अपना फर्ज पूरा करे, इसके लिए कानून को अगर मेरी जान की जरूरत है तो वह हाजिर है, फांसी का फंदा मैं खुद अपने गले में डाल लूंगा। बस एक प्रार्थना है आपसे, बड़ी तपस्या और बलिदान के बाद हमारे इस देश को आजादी मिली है, ऐसा कुछ कीजिए कि इस आजादी को हमसे कुछ छीनने ना पाए, कोई गुंडा इसका बलात्कार ना कर सके, आने वाली संतानें अपने आजाद देश में आजादी की सांस ले सके, बिना डर के जिंदा रह सके, और कानून को इतना मजबूत बना दीजिए कि फिर कभी किसी प्रभात को पिस्तौल का सहारा न लेना पड़े, इसके बदले मौत भी मिलेगी तो प्रसाद होगी, भारत माता का आशीर्वाद होगा। The court is adjourned. I'm sorry, पापा। इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम्हारी बदौलत मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, मुझे तुम पे नाज है।
पता लग गया है। हेलो डैडी। हेलो डैडी। हेलो बेटी। तुमसे कई बार कहा है कि अदालत की परेशानियां घर पे नहीं लाया करो। क्या करूं भाई, काम ही ऐसा है। इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आजकल रॉबिनहुड का केस चल रहा है। बात तो ठीक है, जब से वो आया है शहर में अमन हो गया है। नहीं तो जब तक रेनू कॉलेज से नहीं आ जाती थी मुझे तो डर लगा रहता था। जरा सोचिए योर ऑनर, आपके बेटी कॉलेज से घर आ रही है, रास्ते में गुंडा उसे देख लेता है, वो भागती है, गुंडा उसका पीछा करता है, उसको पकड़ लेता है, उसका बलात्कार करना चाहता है। आपकी बेटी मदद के लिए पुकारती है, उसकी चीखें सुनसान सड़कों से टकराकर वापस आ जाती है, वो थककर जमीन पर गिर जाती है और गुंडा उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अचानक एक गोली चलती है। भगवान की तरह वहां कोई आ जाता है, गुंडा मारा जाता है और एक दुनिया उजड़ते उजड़ते रह जाती है, एक जिंदगी बर्बाद होते होते बच जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं योर ऑनर, क्या आप बचाने वाले को सजा देंगे, उसे खूनी समझेंगे, उसे गुनहगार और अपराधी ठहराएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो योर ऑनर? प्रभात कुमार मुजरिम नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कानून की हिफाजत के लिए किया है, आपको, आपको और आपको बचाने के लिए किया है। और ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर शफी को एक गवाह के रूप में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शफी, मैं कसम खाकर कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जब आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया और रॉबिनहुड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तब आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि रॉबिनहुड तो पुलिस का काम कर रहा है और पुलिस से अच्छा काम कर रहा है, जो काम हम पिछले 25 वर्षों में नहीं कर पाए वो उसने 10 दिन में करके दिखाया। कैसे, क्या किया उन्होंने? इन्होंने गुंडों के दिलों में डर दहशत पैदा कर दी है। आज शहर में अपराध कम हो रहे हैं, क्राइम रेट गिर गया है, हर आदमी सुकून और शांति की नींद सो सकता है आज। जब आप प्रभात कुमार को गिरफ्तार करने गए तो क्या वो भाग खड़े हुए? जी नहीं, बल्कि मैंने इनसे कहा ये शहर छोड़कर भाग जाइए, इन्होंने भागने से इनकार किया और कहा समाज में सारी गड़बड़ियां सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि पुलिस अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, कानून अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं जिससे कि मेरी आवाज अदालत के जरिए लोगों तक पहुंच सके और मैं बता सकूं कि मेरी पिस्तौल से निकली गोली का काम सिर्फ अपराधियों को मारना ही नहीं, कानून को जगाना भी था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। और यह कहकर प्रभात कुमार ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपने प्रभात कुमार को भाग जाने के लिए क्यों कहा? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने रॉबिनहुड बनकर गुंडों के दिलों में जो डर, जो आतंक पैदा कर दिया था, मैं उस डर को जिंदा रखना चाहता था, उस रॉबिनहुड को जिंदा रखना चाहता था जो लोगों की रक्षा करता रहा। इंस्पेक्टर शफी, हालात कुछ भी रहे हो आपको अपना फर्ज अदा करना चाहिए और आपका फर्ज खूनी को पकड़ना है, उसका इंसाफ करना या उसे छोड़ देना नहीं। इस गलती के लिए आपको सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि दूसरे अफसर से नसीहत लें और कभी ऐसी गलती ना करें। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर शफी ने और एक गलती की है, सच बोलने की गलती, यह बताने की गलती कि उन्होंने प्रभात कुमार को भाग जाने की सलाह दी। प्रभात कुमार ने भी यही गलती की थी, सच बोलने की गलती, अपने आप को कानून के हवाले करने की गलती, जबकि अदालत के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। मिस रजनी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि प्रभात कुमार ने भरी अदालत में यह बयान दिया है कि वो सारे खून इन्होंने किए हैं। अगर अदालत में दिया हुआ बयान ही सब कुछ है तो मैं इस गीता पर हाथ रखकर बयान देने के लिए तैयार हूं कि ये सारे खून मैंने किए हैं, तो क्या प्रभात कुमार को छोड़ देंगे और मुझे सजा देंगे? काश ऐसा हो सकता, लेकिन मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकती क्योंकि इस कटहरे में खड़ा हुआ एक सच्चा इंसान अपने बचाव के लिए किसी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। जज साहब, जरा गौर से देखिए, ये वही सीधा साधा प्रोफेसर है जो इलाहाबाद से बंबई आता है, यहां की गुंडागर्दी देखकर घबरा जाता है, पुलिस के पास जाता है, कोई मदद नहीं मिलती। एक मालदार गुंडा एक शरीफ लड़की का बलात्कार करता है, उसकी हत्या कर देता है, प्रभात कुमार कानून का दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है, लेकिन वहां झूठी गवाही की जीत होती है, सच हार जाता है। कानून का फैसला गुंडों को शाबाशी देकर
उनकी हिम्मत बढ़ाता है। नतीजा वही गुंडा, एक करोड़पति स्मगलर का भतीजा, उस प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए 5 और गुंडों को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसके बाद एक बेटे की आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। एक एक करके 6 गुंडे उसकी बहन का बलात्कार करते हैं। वो मासूम भैया भैया पुकारती रहती है, लेकिन रस्सियों में बंधा हुआ भैया कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं। वो शर्म से ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देती है और उसका छोटा सा घर शमशान बन जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि प्रभात कुमार ने गुंडों की शिकायत की थी, कानून का दरवाजा खटखटाया था, पुलिस और कानून की मदद मांगने की इतनी बड़ी सजा। कानून तो सिर्फ एक बार फांसी देता है, लेकिन उस रोज 6 गुंडों ने इन्हें बार बार फांसी के फंदे पर लटकाया था। कुर्सी से बंधे उस खिलौनी करतूत को देखने की सजा 1000 सालों की जेल से कहीं ज्यादा थी। उस सजा के बाद प्रभात कुमार जीना भूल गया, हंसना भूल गया, रोना भूल गया, प्यार करना भूल गया। मैं पूछती हूं, दुनिया की कौन सी अदालत प्रभात कुमार को इससे बड़ी सजा दे सकती है? योर ऑनर, अगर आप प्रभात कुमार को कुछ देना ही चाहते हैं तो उसे उसकी मां दे दीजिए, उसकी बहन दे दीजिए, वो मुस्कुराहटें दे दीजिए जो मिट चुकी है, वो दिल दे दीजिए जो प्यार करता था। मगर आपका कानून ये सब कुछ नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो मौत, सिर्फ मौत। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में अपराध और अराजकता बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि हम और आप इस अराजकता के लिए क्या कर रहे हैं? चुपचाप देखते रहना या कानून और सरकार को गालियां देना इसका इलाज नहीं, और नहीं इसका इलाज कानून को हाथ में लेकर लोगों का खून करना है। दोनों रास्ते गलत है, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग साथ मिलकर अपने देश को मजबूत करें, कानून को मजबूत करें, पुलिस को मजबूत करें, जिससे हमारे देश से अपराध और अराजकता कम हो सके और हम हर एक के साथ सही इंसाफ कर सके। प्रभात कुमार के साथ भी सही इंसाफ होना चाहिए। कानून का तकाजा है कि उन्होंने जो जुर्म किया उसकी सजा उन्हें मिले, इसलिए यह अदालत प्रभात कुमार को उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन जिन हालात में ये खून हुए उन हालात में किसी भी इंसान का मानसिक या दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। प्रभात कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए यह अदालत इंसानियत और इंसाफ की मांग को पूरा करते हुए सरकार से यह दरखास्त करती है कि उनको और उनकी सजा को माफ कर दिया जाए, ताकि प्रभात कुमार एक बार फिर से अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेट कर सही मायनों में एक अच्छे नागरिक की तरह जी सके।